एटीएम से कैश नहीं मिला लेकिन अकाउंट से कट गए पैसे। अगर ये मामला आपके साथ होता है तो आप किस तरह से शिकायत करेंगे, आइए आपको बताते हैं। इसके लिए रिजर्व बैंक ने कुछ जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं और बैंकों को डिडक्ट किया हुआ अमाउंट वापस करने के लिए कहा है। इसके लिए बैंक को 7 दिनों का समय दिया गया है। आरबीआई ने बैंकों को निर्देश दिया है कि पैसे लौटाने में देरी होने पर वो उस व्यक्ति को कंपनसेशन अमाउंट भी लौटाएंगे। अगर शिकायत पैसे निकालने के 30 दिनों के अंदर भेजी गई हो तो इसके लिए कस्टमर को कुछ जरूरी काम करने होते हैं। स्टेप 1, एटीएम से मिनी स्टेटमेंट सेव कर लें। स्टेप 2, अपने बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर उसके सीएमएस पोर्टल पर जाएं। स्टेप 3, वहां पर कस्टमर टाइप, अकाउंट नंबर, शिकायतकर्ता का नाम, ब्रांच कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, शिकायत की कैटेगरी, प्रोडक्ट सर्विसेज और कंप्लेंट का नेचर दर्ज करें। स्टेप 4, कैप्चा कोड डालकर सबमिट बटन पर क्लिक करें। स्टेप 5, इसके बाद आपको एक कंप्लेंट नंबर आएगा जिससे आप वर्तमान स्थिति जान जाएंगे। आपको ये ईमेल और एसएमएस के जरिए भी भेजी जाएगी। रिजर्व बैंक के अनुसार आपका बैंक आपसे 24 घंटे के भीतर बात करेगा और 7 दिनों के अंदर इस समस्या को हल करना होता है। वैसे आपको बता दें कि कई बार तकनीकी समस्याओं की वजह से ऐसा हो जाता है। रिजर्व बैंक ने बैंकों के लिए एक समय सीमा तय की है जिसके तहत ये पैसे 5 दिन के अंदर आपके अकाउंट में आ जाते हैं। इस नियम का उल्लंघन करने पर बैंक को हर दिन 100 रुपए का जुर्माना देने का प्रावधान है। अगर शिकायत करने के 30 दिनों के अंदर भी आपका पैसा वापस नहीं आता है तो आप निवारण विभाग के सीनियर ऑफिसर से कंप्लेंट कर सकते हैं।